बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम। 2023 की सुबह, नया साल, नई सुबह, पहला दिन और पहली राइड। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा करे और कोई गम आपके सामने ना आए, आपको हमेशा खुशियाँ नसीब हों। अल्लाह ताला मुझे भी खुशियाँ नसीब करे और मेरी तमाम YouTube फैमिली, जितनी भी जो मुझे सपोर्ट कर रही है, अल्लाह ताला आप सब की झोलियों में खुशियाँ भरे अल्लाह ताला इस साल, और कोई गम किसी के करीब से भी ना गुजरे। आज की हमारी राइड कोटा की तरफ जाते हुए कोडली सतियाँ से ऊपर हम लोग पंचपीर रॉक्स पर जाएँगे। बहुत प्यारा रास्ता है, बहुत खूबसूरत वाइब्स आ रही हैं, जैसा कि आपके सामने हैं, बल्क खाती हुई रोड हैं और बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ रोड है। आप लोग पिंडी से इजीली डे राइड पे आ सकते हैं, पिंडी इस्लामाबाद के बहुत करीब है, फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं और आप यहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ये देख लें, कोटा से हम लोगों ने आगे निकले हैं और हमें बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे मिल रहे हैं, खूब दरख्त वगैरह हैं। यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट पर भी आप आ सकते हैं और आप अपनी गाड़ी पर भी आ सकते हैं। खैर, बाइक के ट्रैवल की तो क्या ही बात है। तो कोटा से आगे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला बनता है ये, और रास्ते में आपको एक नरड नाम का बोर्ड नज़र आएगा, उस बोर्ड से आप लोगों ने लेफ़्ट हो जाना है और लेफ़्ट होके वो सिंगल रोड सीधा ऊपर पंचपीर की तरफ जा रहा है, पंचपीर रॉक्स पे। तो चलें, आप भी हमारे साथ चलें और आप भी इंजॉय करें जितना मैं इंजॉय करूँगा, उम्मीद है आप लोग भी इतना ही इंजॉय करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को आखिर तक देखें और आप भी इंजॉय करें। ये थी, यहाँ पे हम इस रोड को छोड़ देंगे, यहाँ से हम लोग लेफ़्ट रंग देंगे, नरड़ से हम लोग इस तरफ हो गए। यहाँ पे तीन रास्ते निकल रहे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हमने सीधा जाना है। यहाँ से जी माशाल्लाह से व्यू आप चेक करें, ज़बरदस्त रॉक्स बनी हुई हैं, सारी मुकम्मल रॉक्स हैं जो जो करीब जा रहे हैं, और एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है और खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ साथ रोड को भी देखना है, क्योंकि रोड पे गड़े वगैरह काफ़ी हैं, वो टूटा हुआ है कहीं कहीं से। ये जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे पंचपीर रॉक्स, थोड़ा सा करीब ही है, इतना दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे। ये पीछे आपको देख रही होंगी, ये रॉक्स हैं, यहाँ से इतना प्यारा व्यू है, तो वहाँ जाके तो मज़ीद ज़्यादा प्यारा व्यू आएगा।
जी हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी ये रेस वाली तार टूट गई, लेकिन कुछ सीखने के लिए हमें बड़ा कुछ मिल भी गया। हम लोगों ने खुद ही खोला दोनों ने, और खोल के ये वाली केबल यहीं छोड़ दी, ऊपर जाके किसी मैकेनिक से कहते हैं, वो हमें फिर जो ना सेटिंग कर देगा, लेकिन दूसरी हम लोगों ने खुद लगा ली है। लगाने के बाद और बाइक हमारा रेडी हो गया, तो सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये तजर्बा हासिल हुआ है कि यहाँ पे इसको जब भी ट्यूनिंग करवाएं तो इसको कम से कम जो है ना D40 लाजमी मारना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी जाता रहता है। अभी भी वो तार के ज़रिए पानी निकला और तार को जंग लगा, वो तार टूट गई थी। लेकिन चलें, तजर्बा हासिल हो गया और ब्यूटी को भी इंजॉय किया, तो निकलते हैं आगे, अब सफ़र को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। मैंने रिकॉर्डिंग करना चले मैडम ड्राइवर चले जो अंतरा ने कुछ पंची रॉक्स बचत ओ फाइनली जी मैं आज पानपी डॉक्स पहुँच गया हूँ, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त रास्ता और बहुत खूबसूरत। और कहते हैं कि ये जगह पान पीरों की वजह से बहुत मशहूर है। पान पीर थे वो यहाँ आए थे, उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने यहाँ पे नशिस्त रखी थी और उन लोगों को यहाँ स्टे किया था, उस वजह से इस जगह का नाम पान पीर पड़ गया है, और पान पीर रॉक्स के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जितनी जितना पहाड़ है वो सब रॉक्स बनी हुई हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टोटल एज है, ठीक है, इस आगे टोटल वो सामने कश्मीर की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, पता नहीं गोप्रो आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, वो टोटल बर्फ़ से ढकी हुई हैं, बिल्कुल वाइट हुई हुई हैं। और नीचे गहराई देखें, मुझे तो सही पूछे डर लग रहा है इससे आगे जाते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा लगता है ऐसे जैसे इससे आगे ज़मीन ख़त्म हो गई है। शानी भी इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ, ये हमारी शहज़ादी यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना सपोर्ट मिलेगी, मुझे उतना मोटिव मिलेगा, और मैं उतना ही इन्जॉय करूँगा इसको, और उतने अच्छे अच्छे मैं व्लॉग्स बना सकूँगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। देखिए मैं कहाँ कहाँ आप लोग इतनी प्यारी प्यारी जगह दिखाने के लिए आया हूँ, कितनी ज़बरदस्त जगह है ये। यहाँ पर एक लगी हुई है जी तख्ती, जिस पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या मोहम्मद जाए नशिस्त इमाम औलिया हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह। अब तो रोड्स बन चुके हैं, हम लोग तो रोड्स पे आराम सुकून से आ गए हैं। उस वक्त ये लोग औलिया किस तरीके से आए होंगे और किस तरीके से आके इन लोगों ने अपनी तबलीग की होगी और इस्लाम को फैलाया होगा, ठीक है, बड़े मुश्किल टाइम निकाल के। हम लोग तो आज के आसान रस्तों से आ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ का सनसेट बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो भी किसी दिन आके इंशाल्लाह वो भी करेंगे, अभी तो क्योंकि हमारी डे राइड है, हम लोगों ने ज़रा वापसी भी करनी है। और मेरे सामने ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फॉरेस्ट है, ठीक है, टोटल चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, शायद गोप्रो आपको उस तरीके से ना दिखा रहा हो जी। तो जनाब आपने ये वाला पॉइंट देख लिया, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इसकी दूसरी तरफ, जो दूसरा पॉइंट है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे इससे भी ज़्यादा खूबसूरती है, और वहाँ पर भी ऐसी लैंडस्केप है, ऐसी एज बना हुआ है, और इसी तरीके से रॉक्स बनी हुई हैं, और जंगल के अंदर से गुजर के जाना होगा। तो चले मेरे साथ, आपको सफ़ लेके चलता हूँ मैं।
जी तो जनाब, पहले उस साइड पे थे उस पॉइंट पे, और अब एक और पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से भी मेरे पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा, बहुत प्यारा व्यू है। सब तो आँखों को ठंडक और बड़ा पुरसकून, खामोशी, फैमिली के साथ आने वाला माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ बाइकर्स, और सिर्फ बाइकर्स ही आ सकते हैं, बाइकरों का जिक्र है, बाकी गाड़ियों वाले भी नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ नहीं आ सकती, गाड़ियाँ आपको दूर खड़ी करनी पड़ती हैं। तो ये सीन इन्जॉय करें, आप लोग भी मेरे साथ से देखें। दूर जो आपको चोटियां नजर आ रही हैं वो कश्मीर की चोटियां हैं, पता नहीं आपको नजर भी आ रही हैं, गोप्रो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। और नीचे देखें, बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप। और आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे सनसेट का कितना मज़ा आता होगा। लेकिन चलें, कभी किसी दिन इंशाल्लाह कैंपिंग की तो नाइट का विज़न भी आपको दिखाएंगे और सनसेट होता हुआ भी आपको दिखाएंगे। तो चलें, चलते हैं आगे तरफ, चलते हैं थोड़ा सा, वहाँ भी आपको दिखाता हूँ। टोटल जो है ना वो रॉक्स बनी हुई हैं, ठीक है, और वहाँ पर शेड बना हुआ है, वहाँ बैठ के आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं और अपना खाना पीना कर सकते हैं। जगह जगह पे ऐसा पानी भी खड़ा हुआ है, बहुत अच्छे शानी साहब, सारी छिड़का पाई है नहीं। अच्छा, वो मैंने एक वीडियो देखी थी वो डिस्कवर पाकिस्तान पे ना, तो वहाँ पे वो भी उठाती है, तो ये देखें जी, यहाँ पे आपको ऐसी नायाब चीज़ें मिलेंगी, ये आप घर लेके भी जा सकते हैं और एज ए डेकोरेशन पीस भी आप इसको रख सकते हैं। कानस के ऊपर, कानस के ऊपर, पुराने ज़माने में कांसें होती थी, अब तो कांसें नहीं, अब तो आप शलफ ही कहेंगे, तो उसके ऊपर आप ये रख सकते हैं। ये अक्सर आपने मज़ारों पे देखे होंगे पड़े हुए, जिसको हम ये चीड़ की तरफ के साथ पड़े होते हैं, यूँ यूँ करते हैं दरबार पे जाके, ये वो नहीं है। ये देखें जी, यहाँ से चलो जी, चढ़ गए जी, उसे कुछ ये जी हमारे कुछ भाई सरगोधे से आए हुए हैं और कुछ इस्लामाबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी यहाँ पे चाय का इंतजाम भी है, चलिए चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं इनके साथ बैठ के। थैंक यू बेटा, पकड़ो जी, ये जी हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर है जो मुझे चाय पिला रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? अब्दुल रहमान। थैंक यू बेटा। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मेरी कोशिश थी जितना मैं आपको अच्छे से अच्छा दिखा सकता मैंने आपको दिखाया, और आज के व्लॉग को मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों की और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों की और मेरी मुश्किलात आसान फरमाए। तो इंशाल्लाह अगले किसी नए व्लॉग में नए हम सफ़र के साथ और नए दोस्त के साथ, नए हम सफ़र क्यों, पुराने हम सफ़र के साथ इंशाल्लाह कोई नया व्लॉग बनाएंगे तो नई डेस्टिनेशन आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखें, और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली जो मुझे सपोर्ट कर रही है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत कोऑपरेट है मेरे साथ, और मुझे ऐसे ही आप लोग दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें हमें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।